महाराष्ट्र में सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के गुट शिवसेना से जो सांसद जीत कर आए हैं वो सांसद उद्धव गुट के संपर्क में हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में क्या कोई बड़ा टूट होने वाला है या फिर कोई बड़ा खेला होने वाला है एनडीए के साथ? क्योंकि ये खबरें जो निकल कर सामने आ रही है वो एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं है। जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर अब बीजेपी डिपेंड है कि उनके साथ मिलकर ही सरकार बनाया जा सकता है, या फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर इंडिया अलायंस में जाते हैं तो इंडिया अलायंस की सरकार बनती है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी ही खबरें निकल कर सामने आ रही है कि क्या कोई बड़ा टूट होने वाला है महाराष्ट्र में या फिर कोई खेला होने वाला है। दरअसल मैं आपको खबर बताता हूँ, आगे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ दिखाई दिए है, उस पर भी आगे बात करूंगा। लेकिन आप जरा महाराष्ट्र की ये खबर सुनिए, जो ये महाराष्ट्र से खबर निकल कर सामने आ रही है वो खबर दरअसल में क्या है। आप जानते हैं कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना, ये जो असली नकली का खेल चला महाराष्ट्र में, उसमें किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ, ये आप जानते हैं। अब जरा आप इस रिजल्ट को देखिए जो कल सामने आया, जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी महाराष्ट्र में, 13 सीट लाए, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मात्र 9 सीट मिला, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीट मिला जो कि बड़ी पार्टी बन के उभरी, और उसके बाद जो शरद पवार के एनसीपी है उसको 8 सीट मिला है, और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीट मिला है, और अजीत पवार के एनसीपी को 1 सीट मिला है। अब जो इसमें सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है वो है कांग्रेस, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 9 सीट लाने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसके बाद लगभग उतना ही सीट भारतीय जनता पार्टी ने भी लाया है। लेकिन यहाँ पर बात आता है एकनाथ शिंदे की शिवसेना के ऊपर, जो के उनके जितने भी एमपी है अब उनको ये लगता है कि शायद यहाँ पर खतरा हो सकता है। खतरा किस बात का? जैसे कि आप जानते हैं कल जो रिजल्ट आया उसमें मैंडेट जनता ने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दिया है, और ये बात कहीं ना कहीं वो अच्छी तरीके से शायद समझ गए होंगे कि आने वाले चुनाव में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें जनता का मूड क्या है, तो इसलिए उनको फ्यूचर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में ही दिख रहा है, जिससे अब ये खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर बताया जा रहा है कि करीब 3 से 4 एमपी उद्धव ठाकरे के शिवसेना के संपर्क में है और कभी भी जंप ले सकते हैं, और ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है महाराष्ट्र में एनडीए को। महाराष्ट्र की राजनीति को जब आप देखेंगे तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि असली शिवसेना कौन है और पब्लिक किसकी तरफ है। एकनाथ शिंदे ने ताकत के बलबूते पे तो शिवसेना को बना लिया, नाम ले लिया, लेकिन पब्लिक जो है वो आज भी उद्धव ठाकरे की तरफ है, और उसी का ये नतीजा है जो कल आपको ये रिजल्ट देखने को मिला, जहाँ पे एकनाथ शिंदे के शिवसेना को लोगों ने ठुकरा दिया और जो पूरा मैंडेट था वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दिया गया है, और उसी का ये नतीजा है जो अब खबर निकल कर सामने आ रही है कि कई एमपी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संपर्क में है, और ये खेला कभी भी हो सकता है, और जब ये खेला होगा तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। लेकिन अब आप इस खबर के ऊपर ध्यान दीजिए, दिल्ली आ रहे हैं मीटिंग के लिए नीतीश कुमार भी, और जो आरजेडी के नेता है तेजस्वी यादव वो भी दिल्ली आ रहे हैं, इंडिया अलायंस के साथ उनका मीटिंग है, नीतीश कुमार का एनडीए के साथ मीटिंग है बीजेपी के साथ, लेकिन दोनों एक ही फ्लाइट से आ रहे हैं, और इसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया के ऊपर धड़ल्ले से वायरल हो गया। हालांकि ये वीडियो में देखने को ये मिल रहा है कि नीतीश कुमार आगे बैठे हैं और तेजस्वी यादव पीछे बैठे, दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन एक ही फ्लाइट शेयर कर रहे हैं दोनों दिल्ली आने के लिए, और दोनों ही अलग अलग पार्टी में मीटिंग करने वाले हैं। इंडिया अलायंस का मीटिंग होने वाला है 6 बजे और एनडीए का मीटिंग होने वाला है शाम 4 बजे, और आज बहुत कुछ साफ होने वाला है कि किसकी सरकार बनेगी। एबीपी न्यूज ने लिखा है इस खबर को ट्वीट करते हुए, 2024 के नतीजे सामने आने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है, बिहार सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी का हालचाल जाना और आरजेडी नेता ने भी बिहार के सीएम का अभिवादन किया। तो ये खबर है जो सामने आती है कि फ्लाइट से जब तेजस्वी और नीतीश कुमार जब आमने सामने दिखे और एक ही फ्लाइट से दिल्ली आ रहे थे, और जिस वक्त का ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद जो खबरें हैं वो तेज हो गई कि नीतीश कुमार कहाँ जाने वाले हैं। दरअसल ये जो चुनाव है, ये इस चुनाव ने बहुत सारे ऐसे मोड़ ले लिए हैं। इसमें आपको तिनकोनिया मोड़ दिखाई देगा, जैसे कि
इंडिया अलायंस भी सरकार बना सकती है, एनडीए भी सरकार बना सकती है, लेकिन सारा खेल टिका हुआ है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर। ये कहाँ जाने वाले हैं, ये जहां जाएंगे उसका पल्ला भारी होगा और वही सरकार बनाएगी। तो अब इंतजार कीजिए कि होता क्या है, और इस बीच हर अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल के ऊपर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।